नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द एसपी सेलिंग प्राइस। तो हमारा प्रॉफिट दिया रुपी 600, सीपी दिया रुपी 900 और सेलिंग प्राइस हम लोग को फाइंड करना है। तो पहले हम लोग लिखेंगे गिवन दैट। अब हम लोग गिवन दैट लिखने के बाद इसको नीचे में उतारेंगे। तो हमारा पी इज इक्वल है रुपी 600 और हमारा सीपी इज इक्वल है रुपी 900 और हमारा एसपी इज इक्वल है क्वेश्चन मार्क। हम लोग को एसपी फाइंड करना है। तो अब हम लोग ये लाइन के इस साइड इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे वी नो दैट। अब हम लोग वी नो दैट लिख लेने के बाद इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसमें प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये होता है पी इज इक्वल एस पी माइनस सी पी। एस पी में सी पी माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आता है। तो इसमें हमारा प्रॉफिट और सीपी गिवन है। तो हम लोग प्रॉफिट का हमारा दिया है 600, तो 600 लिख लिए इज इक्वल। अब एसपी नहीं दिया है तो एसपी का एसपी और अब माइनस का साइन। हमारा सीपी क्या दिया है 900, तो 900। तो अब हम लोग इसको करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको करते हैं। तो ये माइनस 900 है तो ये एस पी से माइनस नहीं होगा, इसलिए इसका इज इक्वल के इस साइड ट्रांसफर करेंगे। तो ये 600 का 600, जब इज इक्वल के इस साइड कोई नंबर माइनस करता है तो वो इस साइड जाके प्लस का साइन आ जाता है, और जब ये साइड माइनस का साइन आता है तो ये वाला इसे डाके प्लस का साइन बन जाता है। तो ये माइनस है तो इसे डाके प्लस 900 हो जाएगा, इज इक्वल हो जाएगा एस पी। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ये वाले को, तो ये हो जाएगा 1500, तो 1500 रुपी 1500 इज इक्वल आ गया हमारा एस पी। हमारा एस पी मीन्स सेलिंग प्राइस आया रुपी 1500। तो आप लोग चाहो तो इसको एस पी इज इक्वल रुपी 1500 लिख सकते हो। ये इज इक्वल के इस साइड हो या इस साइड हो, इसका मीनिंग सेम होता है। तो ये आ गया हमारा आंसर। हमारा एस पी आ गया रुपी 1500 1500। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड में एस पी लॉस के तरीके से फाइंड करेंगे। तो इसमें भी पहले हम लोग लिखेंगे वी नो दैट। अब हम लोग वी नो दैट लिखने के बाद अब इसको करेंगे। तो पहले ये सब को उतारेंगे। तो हमारा लॉस इज इक्वल है रुपी 600, फिर हमारा सी पी इज इक्वल है रुपी 900 और हमारा एस पी हम लोग को फाइंड करना है। तो एस पी इज इक्वल हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो अब हम लोग इस साइड लाइन खींच के इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट। अब ये वी नो दैट लिखने के बाद हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसमें लॉस दिया है तो इसमें लॉस का फॉर्मूला यूज होगा। तो हमारा लॉस इज इक्वल होता है सीपी माइनस एसपी। तो हमारा लॉस दिया है रुपी 600, तो 600 फिर इज इक्वल। हमारा सीपी दिया है रुपी 900, तो 900 लिख दिए। अब माइनस एसपी नहीं दिया तो एसपी का एसपी। अब हम लोग ये जो 900 है इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे, तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 600 माइनस 900 इज इक्वल माइनस एसपी। तो ये अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस ही होगा, लेकिन माइनस का बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा। अब
600 माइनस करोगे तो 300, तो माइनस 300 इज इक्वल माइनस एस पी। तो जब इज इक्वल के इस साइड भी माइनस होता है, इस साइड भी माइनस होता है, तो ये प्लस बन जाता है। तो ये आ गया हमारा आंसर, एस पी इज इक्वल रूपी 300 ए एन एस आ गया हमारा आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।